एक ऐसा तालाब जो शहर के लोगों की प्यास बुझाने के लिए जाना जाता है, वो बनता जा रहा है नशेड़ियों का अड्डा। सिर्फ इतने पर ही बात खत्म नहीं होती, इस तालाब के पास प्रेमी युगल मौज मस्ती के लिए आने लगे हैं। ऐसे में यदि कोई बड़ी वारदात होती है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी। जी हाँ, सही सुना आपने, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले के अंतर्गत आने वाले गोरेवाड़ा तालाब की, जो इन दिनों प्रशासन की उदासीनता के चलते मानो अपनी बदहाली पर आंसू बहाने को मजबूर हो। गौर करने वाली बात यह है कि गोरेवाड़ा तालाब शहर का एकमात्र ऐसा तालाब है जहाँ से पूरे शहरवासियों के घरों में जलापूर्ति की जाती है, लेकिन इन दिनों इस तालाब की सुरक्षा ताक पर है। इस तालाब के पास गर्मी के मौसम में नशेड़ियों का जमघट लगा रहता है। तालाब के पास बैठकर शराब पीना और शराब पीने के बाद इस तालाब में तैरना और गंदगी फैलाना कुछ तथाकथित असामाजिक तत्वों की फितरत बन चुकी है। और तो और, यहाँ प्रेमी युगल हर रोज पहुँचने लगे हैं, उनके लिए मौज मस्ती का मानो ये लवर पॉइंट बन गया हो। सूरज अस्त होते ही अंधेरे का फायदा उठाने के लिए यहाँ प्रेमी रसिक पहुँचना शुरू हो जाते हैं। न तो यहाँ कोई सुरक्षा रक्षक है और ना ही इस तालाब की सुरक्षा व्यवस्था का कोई इंतजाम। आपके टीवी स्क्रीन में दिख रही ये तस्वीरें बयां कर रही है मनपा प्रशासन और OCW प्रशासन की उदासीनता की वो दास्ता, जिसे देखने के बाद आप भी ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे कि आखिर शहर की प्यास बुझाने वाले ये तालाब की सुरक्षा आखिर भगवान भरोसे कैसे। इस तालाब की सुरक्षा में पड़ रही ढिलाई को लेकर अब समाज सेविका ज्वाला धोटे ने मनपा आयुक्त अभिजीत चौधरी से इस तालाब की बदहाली और सुरक्षा को लेकर बातचीत की और निवेदन सौंपा और सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। यदि इस तालाब के अंदर कुछ गलत होता है या शराब के नशे में धुत शराबियों का आपस में मारपीट होता है या अपने आप को सुरक्षित समझने वाले प्रेमी जोड़ों के साथ कुछ होता है तो इसकी जिम्मेदारी आखिर कौन लेगा और ऐसी वारदातों को समय से पहले उसे रोकने की जवाबदाही कौन तय करेगा। इस तरह के कई सवाल है जिसका जवाब शायद किसी के पास नहीं। ऐसे में इस खबर के प्रसारण के बाद प्रशासन इस महत्वपूर्ण विषय पर कितना गंभीरता दिखाता है ये देखना बेहद अहम होगा। नागपुर शहर ये तालाब का शहर करके प्रसिद्ध है। बहुत सारे प्रसिद्ध तालाब हमारे नागपुर शहर में है, मगर गोरेवाड़ा तालाब की यह प्रमुख बात है कि 25 से 30 लाख नागपुर की जनता को पानी प्रोवाइड ये गोरेवाड़ा तालाब का होता है, मगर गोरेवाड़ा तालाब और तालाब का परिसर ये अवैध गतिविधियों का अड्डा बन गया है। आपको ये मैं बता दूं कि फिल्ट्रेशन प्लांट, अंग्रेज के ज़माने का फिल्ट्रेशन प्लांट, एक ऐतिहासिक फिल्ट्रेशन प्लांट वहाँ पे है, पानी फिल्टर होके जनता के रसोई तक पहुँचता है, मगर उस तालाब में सुबह 6 बजे से तो रात को 12 बजे तक लोग तैरते हैं, स्विमिंग करते हैं। माननीय आयुक्त डॉक्टर चौधरी साहब को हमने इस बात से अवगत कराया, इस बात की हमने उनको सूचित किया कि वहाँ पे NMC ने लोगों को स्विमिंग करने की परमिशन दी है क्या। गोरेवाड़ा तालाब और वो फिल्ट्रेशन प्लांट ये प्रोहिबिटेड एरिया है, प्रतिबंधक क्षेत्र है, वहाँ पे NMC ने कोई गोताखोर रखे नहीं है। अगर स्विमिंग करते टाइम कुछ अनुचित घटना घटती है तो उनकी जान हम कैसे बचाएंगे। वहाँ पे NMC के रक्षा कवच नहीं है, जो लाइफ सेविंग जैकेट्स रहते हैं स्विमिंग के जगह पे जो हम प्रोवाइड करते हैं वो नहीं है। इमरजेंसी सर्विस के लिए नाव बोट अवेलेबल नहीं है, गोताखोर नहीं है डूबते हुए को बचाने के लिए। फिर सुबह 6 बजे से तो रात को 12 बजे तक लोग वहाँ पर स्विमिंग कैसे करते हैं, किन्होंने उनको परमिशन दी। पूरा परिसर अवैध गतिविधियों का अड्डा बन गया है, कपल्स वहाँ पे दिखते हैं। 3 दिन पहले मैंने वहाँ पे सर्वे की, शराब पीने वाले लड़के युवक लोग, उन लोगों ने हम पे भी हमले किए, हमारे भी अश्लील गालियाँ दे देकर वीडियोस बना रहे थे। इसकी सूचना मैंने गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन को दी, उन सब युवकों को पुलिस ने कार्रवाई उन पर की कि प्रतिबंधित जोन में आप घुसते हैं। शराब की बॉटल, बियर के कैन के इतने बड़े मंजर वहाँ पे आपको दिखने को मिलेंगे, सिगरेट के पैकेट, निरोध की पूरी वहाँ पे जैसे हम बोलते हैं कि चट्टाने बन गई है, पहाड़ बन गई है, इतने निरोध के पैकेट। कपल्स आपको झाड़ियों में दिखते हैं, जो तालाब का पानी
पूरे नागपुर को प्रोवाइड होता है 25 लाख जनता को, उस तालाब की सुरक्षा में महानगर पालिका इतनी ढिलाई क्यों दे रही है? OCW को चार्ज दिया है वहाँ के सुरक्षा का, OCW ने किसी एक प्राइवेट कंपनी को वहाँ के गेट पर सुरक्षा का चार्ज दिया है, इंचार्ज दिया है, मगर वो सुरक्षा रक्षक इतने ढीले हैं कि सादी फुंकार भी लगा दी तो वो गिर जाएंगे। वहाँ पे तो पैरामिलिट्री फोर्स सरकार ने और महानगर पालिका ने तैनात करनी चाहिए, पुलिस की एक चौकी वहाँ पे होनी चाहिए, क्योंकि जिस तालाब का पानी पूरे नागपुर शहर को दिया जाता है, उस तालाब में अगर किसी ने पॉइजन डाल दिया और वो पॉइजन युक्त पानी अगर पूरे शहर में लोगों के घरों तक जाता है तो इससे बड़ी जीव हानि क्या हो सकती है। इन सभी बातों से हमने उनको अवगत कराया। गोरेवाड़ा फिल्ट्रेशन प्लांट के परिसर में और तालाब के किनारे जुए के अड्डे बन गए हैं। वहाँ के जो स्थानिक नागरिक है, फिल्ट्रेशन प्लांट के अंदर जो रहने वाले नागरिक है, उन्होंने हमको निवेदन दिया है कि लोग यहाँ पे शिकार करने को आते हैं। हमारे दरवाजे तक मोर आते थे एक ज़माने में, मगर अभी वो मोर दिखते नहीं हैं। जाफरनगर के कुछ लोग यहाँ पे शिकार को आते हैं, उनकी बंदूकों को साइलेंसर लगा रहता है, इसलिए वो जब शिकार करते हैं गोली की आवाज़, गोली चलने की आवाज़ नहीं आती। जब इतना प्रोहिबिटेड जोन, और गोरेवाड़ा भी एक नेशनल और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है बड़ा, वहाँ पे अगर तालाब पर, और दो चार दिन पहले ही एक 15 वर्ष के बालक की वो तालाब में डूब के मृत्यु हो गया है। दो तीन साल पहले एक व्यक्ति ने, चौहान नाम के व्यक्ति ने, अपनी प्रेयसी को जला के वहाँ पे फेंक दिया था। इतने सेंसिटिव जोन में भी अगर महानगर पालिका अपनी जागरूकता दिखाती नहीं है, समय सूचकता दिखाती नहीं है, पुलिस विभाग भी अगर सब ये मंजर देखकर अनदेखा कर रहे हैं, तो निश्चित ही भविष्य में हमको एक रुद्र अवतार आंदोलन का लेना पड़ेगा, और हम गोरेवाड़ा जैसा तालाब बचाने के लिए निश्चित ही जन आंदोलन को, प्रशासन को आगे जाना पड़ेगा। महान्यूज 7 के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राजेश जंगीटवार, नागपुर। इस शादी सीजन तैयार हो जाइए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए। कैसे? सचिन लाइफस्टाइल के बेहतरीन कपड़ों के साथ। जी हाँ, सचिन लाइफस्टाइल में लेडीज वेयर, किड्स वेयर, मेंस वेयर, सभी सेक्शन के लिए कपड़े अवेलेबल हैं। और साथ ही में इस शादी की शॉपिंग को पॉकेट फ्रेंडली बनाने के लिए सचिन लाइफस्टाइल लेकर आए हैं आपके लिए फ्लैट 15% का ऑफ। तो अभी आइए और अपनी शादी की शॉपिंग सचिन लाइफस्टाइल से करके जाइए। हमारा पता शताब्दी चौक, बेलतरोडी रोड, रामानगर, नागपुर।